देखिए सेटिस्फाइड नहीं है सीबीआई और यही कारण है कि लगातार उनको समन किया जाता है और अगले दिन वो सुबह होते ही सीबीआई के सामने तलब हो जाते हैं, पेश हो जाते हैं। आज सुबह 9:30 बजे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। पूछताछ का दौर शुरू किया गया और तकरीबन 1.5 घंटे की पूछताछ अभी तक की जा चुकी है। सीबीआई ने दरअसल पूरी टाइमलाइन तैयार की है उस इंसिडेंट यानी कि 8 और 9 तारीख को जो हादसा हुआ उसको लेकर पूरी टाइमलाइन तैयार की गई है और उसी को ही कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रिंसिपल है उनसे कन्फ्रंट कराया जा रहा है। उनसे पूछा गया सबसे पहले कि आपको कितने बजे जानकारी मिली, आपने किसको सबसे पहले इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी दी, पुलिस को कब बताया गया, किसने पुलिस को बताया, फैमिली जो बोल रही है कि आपने आत्महत्या के बारे में बोला, आपने नहीं बोला तो किसने बोला, उनको किसने कहा था कि फैमिली को हत्या के बारे में बताएं, इस इंसिडेंट के बारे में आपने किन किन लोगों को से फोन पर बात की, उस पूरा दिन आपने क्या कुछ किया, पुलिस को शिकायत कब दी गई, ये सभी सवाल जो थे वो पूर्व प्रिंसिपल से पूछे गए। उनके जवाब को सीबीआई की टीम ने ग्राउंड पर जाकर बातचीत की। हमने ये भी देखा कि सीबीआई के जो टीम थी वो 2 बार विक्टिम के घर पहुंचे और वहां पर भी तमाम जो सबूत है वो इकट्ठे किए। इन्वेस्टिगेशन में ये जो चीजें क्लियर हुई है कि पूर्व प्रिंसिपल को सुबह 7 बजे पता लगा, 7:30 बजे पुलिस को इस मामले में पीसीआर कॉल की गई, तो आधे घंटे का इंतजार क्यों किया गया, इस सवाल के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है और यही कारण है कि वो सबूतों को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल के सामने कन्फ्रंट कराया जाता है। यह भी जानकारी मिल रही है कि पूर्व प्रिंसिपल ने कुछ कॉल डिटेल्स डिलीट की थी, वो कौन लोग थे जिनके कॉल डिटेल्स डिलीट की, किसने कहा था डिलीट करने के लिए, इस सवाल के जवाब से भी सीबीआई संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनको बार बार बुलाया जा रहा है। किन लोगों के संपर्क में थे, किसने कहा, सवालों के जवाब है जो सीबीआई तलाश रही है और देश जानना चाहता है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आपको दिखाते हैं 4 किरदार, वो कौन से है जिनके साजिश से तार जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले नाम संजय रॉय का, जो कि मुख्य आरोपी है, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है। उसके बाद नाम है अरुण दत्ता, एएसआई, ये आरोपी का करीबी बताया जा रहा है। दूसरे दिन सीबीआई की पूछताछ इससे हुई थी। और इसी के साथ जो तीसरा नाम संदीप घोष का, पूर्व प्रिंसिपल है, पूछताछ का 6वां दिन है, 5 दिन की पूछताछ हुई है 64 घंटे तक। और उसी के साथ विनीत गोयल, पुलिस कमिश्नर कोलकाता, सवालों के घेरे में है पुलिस, क्योंकि इस पूरे मामले में पीसीआर कॉल आधे घंटे बाद की जाती है और जो मृतका की बॉडी है उसे 2 घंटे बाद रिकवर किया जाता है, यानी कि वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है जहां ये पूरा घटनाक्रम होता है। 3 घंटे बाद माता पिता को कॉल करके जानकारी दी जाती है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, झूठ बोला जाता है। माता पिता बार बार ये गिड़गिड़ाते रहते हैं कि उन्हें उनकी बच्ची को देखने दिया जाए, लेकिन 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए आप 4 किरदारों की जानकारी यहाँ पर दे रहे थे जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन रिपब्लिक भारत के सवाल जो कि पूछे जा रहे हैं लगातार, पहला सवाल ये कि अभिया को इंसाफ आखिरकार कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और दूसरा सवाल ये कि दरिंदगी के पीछे कितने कैरेक्टर है, क्योंकि इससे पहले भी आपको मीनाक्षी बता रही थी कि 4 लोग और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीसरा सवाल ये कि गुनहगारों को कौन आखिरकार बचा रहा है, क्योंकि सवाल यहाँ पर ममता सरकार पर भी लगातार खड़े हो रहे हैं। इंसाफ की आवाज़ आखिरकार कौन दबा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और ये सारे के सारे सवाल रिपब्लिक भारत पूछता है, सीबीआई की जांच से कौन डर रहा है और ममता की पुलिस आखिरकार क्या छिपा रही है। अभी इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कोलकाता में हुई हैवानियत को लेकर आक्रोश है। आरोपी संजय राय के 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुके हैं। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप से सीबीआई 53 घंटे पूछताछ कर चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सच से पर्दा उठना अभी बाकी है। क्या आम क्या खास, हर कोई इस दरिंदगी से हिला हुआ है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली भी इस वारदात को लेकर मुखर हो गए हैं और अब उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताने का फैसला किया। सौरभ गांगुली आज अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ कोलकाता के डांस स्कूल से विरोध मार्च निकालेंगे। और इतना ही नहीं, बीजेपी भी इस मामले को लेकर लगातार ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई को 21 अगस्त से 5 दिन तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। एक तरफ जहां लोगों में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्सा है, तो वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं।
जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल को पीड़ित की पहचान उजागर करने को लेकर लाल बाजार में पेश होने का नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, मामले का जल्द खुलासा करने के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट में लंबा अनुभव रखने वाली सीमा पाहुजा को केस की कमान सौंपी गई है और इसके बाद सीबीआई की पूरी टीम एक्शन मोड में है। लगातार आरोपी संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। संजय रॉय का 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट करने की तैयारी है। सच सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम उन पुलिसकर्मियों के भी बयान दर्ज करेगी जो इस मामले से जुड़े हैं। हालांकि क्राइम स्पॉट को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही पुलिस और पास में हो रहे रेनोवेशन ने सीबीआई के सामने थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, लेकिन सीबीआई ने इस मामले में अब तक जो कुछ भी आरोपी से उगलवाया है और जितने सबूत इकट्ठे किए हैं वो वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने बारजीकर अस्पताल में सुरक्षा संभाल ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील दिया था कि सीआईएसएफ अब अस्पताल की सुरक्षा करेगी और ऐसे में सीआईएसएफ ने जिम्मेदारी संभालते हुए यहां सारी जानकारियां भी ले ली हैं, क्योंकि बड़े स्तर की लापरवाही देखी गई थी। कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी इस पूरे मामले को लेकर और अब सीआईएसएफ ने जिम्मेदारी संभाल ली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, बंगाल पुलिस से जानकारी लेती हुई सीआईएसएफ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब सीआईएसएफ की तैनाती हो गई है आरजीकर अस्पताल में। जिस तरह की घटनाएं हुई थी, पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई थी कोर्ट ने और पूछा भी था कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं जो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, हजारों लोग अस्पताल के अंदर घुस जाते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। तमाम सवाल थे जिनका जवाब बंगाल पुलिस नहीं दे पाई और उसके बाद कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि अब सीआईएसएफ सुरक्षा संभालेगी और जिम्मेदारी अब संभाल ली गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार बने हुए हैं। जतिन, कल कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सीआईएसएफ अब आरजीकर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी संभाले, जिम्मेदारी संभाल ली गई है, अभी वहां पर किस तरीके के हालात हैं? आज बिल्कुल देखिए, ये कोलकाता पुलिस के लिए एक सेटबैक है। आप ये समझिए कि एक स्टेट की पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी अस्पताल और दूसरे मेडिकल कॉलेज या दूसरे नॉर्मल स्कूल हर जगह की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सीआईएसएफ अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी करेगी। जो डीआईजी है सीआईएसएफ के, वो अभी मौके पर मौजूद है, पूरे हॉस्पिटल का मुआयना कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस के जो लोकल इंस्पेक्टर है वो भी वहां पर मौजूद है और ब्रीफ कर रहे हैं कि किन किन जगहों पर कितने हॉस्टल्स हैं, इमरजेंसी कहां है, ट्रॉमा सेंटर कहां है, ताकि ये खाका तैयार किया जा सके। और उस पूरी शीट को जो डीआईजी है वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को देंगे, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि कितने सीआईएसएफ पर्सनल की जो सिक्योरिटी है, डिप्लॉयमेंट है, कहां कहां और कितनी स्ट्रेंथ में करनी है, कहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वो स्टूडेंट्स कितने हैं, भीड़ किस तरीके से होती है, कितने एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं, हॉस्टल्स कितने हैं, गर्ल्स हॉस्टल कितने हैं, बॉयज हॉस्टल कितने हैं, तो इस पूरी जानकारी जो है वो जो डीआईजी वहां पर मौजूद है वो कोलकाता पुलिस से ले रहे हैं। संभवतः ये जो बताया जा रहा है कि शाम तक या कल सुबह